गाइस, मेरा नाम है तमन्ना। मेरा नाम है हिमांगी और ये है हमारी फ्रेंड आयुषी जो कि हमारे साथ इस वीडियो में आई है और हमारे साथ एक वीडियो क्रिएट करेगी। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेबर्स। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और जो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो इस वीडियो के लिए हमारी एम है 10,000 लाइक्स की। सो आप जल्दी जल्दी से इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए ताकि हम ऐसी मजेदार वीडियोस बनाते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बहन जी और दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? यार ये बार बार कौन बेल मारी जा रहा है? इस टाइम आया कौन होगा? नमस्ते आंटी। से बेटा, बेटा मम्मा कहाँ पे है? आंटी मम्मा घर पे नहीं है, वो मार्केट गए हैं, तो अभी थोड़ी देर में आती होंगी। अच्छा आइए आप अंदर बैठ जाइए। बेटा आज भी बड़ी गर्मी हो रखी है, थोड़ा पानी पिला दो। पिला दी गर्मी हो रखी है। इनको ये भी नहीं पता कि मेहमान आए तो एसी चला देता है बंदा, एक पंखा ही चला रहा है। हमारे घर में तो एसी पूरा ऑल टाइम चलता है। बेटा जल्दी लाओ। ये रहा आंटी खाना। थैंक यू बेटा। बेटा ट्रे इतनी हल्की सी रखी है, डॉली के पापा तो ना मुंबई से मंगवाते हैं। ठीक है आंटी। किसी से रखी है ट्रे? इतना भी नहीं पता, मेहमान आते हैं थोड़ी अच्छी सी ट्रे तो लाओ। हम तो चांदी की ट्रे में सर्व करते हैं सबको, तो प्लास्टिक की घटिया से ट्रे लेके आ जाते हैं। हेलो मम्मा, वो ना शालिनी आंटी आई है, आप कितनी देर तक आ रही हो? आधा घंटा? ठीक है कोई बात नहीं। आंटी को तो अभी आधे घंटे तक आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, हम उतनी देर बातें मान लेते हैं। और बताओ बेटा आपका रिजल्ट कितने परसेंट आया? आंटी मेरे तो 97.44% आए हैं। मेरे डॉली के तो 99.9% आए हैं। तो बेचारी बहुत मेहनत करती है, रात में 12-12 बजे तक जाग के काम करती है मेरी डॉली। और बेटा ये जो आपने अपने ड्राइंग रूम में पेंट करवाया है, इसका आपका कितने साल हो गए? मुझे तो 5-6 साल हो ही रहे होंगे। नहीं आंटी ये तो अभी हमने महीने पहले किया। महीना पहले? लग तो नहीं रहा, बिल्कुल डल और फटीचर कलर्स लगाए हुए आपने तो। हमारे घर में तो डॉली के पापा तो दुबई से मंगवाते हैं इम्पोर्टेंट पेंट्स। ठीक है आंटी, नेक्स्ट टाइम करवा लेंगे आपके इम्पोर्टेंट पेंट्स। बेटा आपने कुछ कहा? नहीं आंटी कुछ नहीं। हमारी डॉली तो इतनी बोलती नहीं है जितना आप बोलते। वैसे बेटा ये आपने चॉप कहाँ से लिया है? आंटी लुधियाना से। लुधियाना से? अच्छा, वैसे तो मुझे लगा काफ़ी पुराना है। नहीं आंटी अभी थोड़े दिन पहले लिया। फिर शोर बाजार से लिया होगा लुधियाने में। मैं तो अपनी डॉली को ओमेक्स मॉल से कपड़े डलवाती हूँ। बेटा चाय में तो चीनी बहुत ही ज़्यादा है, मेरी जॉली तो ना खाना बनाने में बहुत ही परफेक्ट है। वो जिस भी घर में शादी करके जाएगी ना उस घर का नाम रोशन कर देगी, रोशन। हाँ आंटी ये तो पता ही है, आपको पता है जॉली का ना एक बॉयफ्रेंड है। क्या ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? बेटा मैं ना जाती हूँ। हाँ गई ये शॉप आंटी, बच गई मैं तो, नहीं तो मेरा तो दिमाग ही खा गई थी। बहुत अच्छा हुआ चल।
हेलो नमस्ते भाभी जी, हमारे ना यहाँ पे ना पार्टी है तो मुझे ना आपकी फेशियल किट चाहिए थी। फेशियल किट चाहिए थी? अच्छा भाभी जी आप दो मिनट रुकिए मैं लेके आती हूँ। ठीक। अरे कौन इतनी देर से नॉक नॉक कर ही जा रहा है, देखती हूँ कौन होगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। बस ठीक ही है। और हम ना पार्टी पे जाना था हमें कल। अच्छा। मुझे आपकी फेशियल किट मिल सकती है? जी पर आपने पिछले हफ्ते ली नहीं थी? नहीं हमारे आज फिर पार्टी है। अच्छा, दो मिनट रुके मैं लेके आती हूँ। भाभी जी ये पर जरा संभाल के वो नींबू है ना मेरे। हाँ ठीक है, थैंक यू। बाय। ये फिर से अब कौन आ गया? एक मिनट आ रही हूँ। भाभी जी अब क्या काम था? वो ना मुझे ना चूड़ियाँ चाहिए थी। चूड़ियाँ? अच्छा आपके पास थी ना, अपने कलर की डाली हुई थी पिंक कलर की। नहीं मुझे ना रेड कलर की चाहिए, वो ना हमारी थीम है पार्टी की रेड कलर की। अच्छा चलो मैं लाती हूँ। भाभी जी ये चूड़ी कांच की है, जरा संभाल के। पर भाभी जी मेरे पास ना इसके साथ की साड़ी नहीं है, आप ऐसा कीजिए इसके साथ की साड़ी भी दे दीजिए और उसकी मैचिंग की ज्वेलरी भी दे दीजिए। साड़ी भी और सेट भी? अच्छा वैसे आपके पास इतनी तो साड़ी है, आपका वार्डरोब भरा होगा साड़ियों से। नहीं मैंने बताया ना मेरी हमारी रेड थीम है और मेरे पास रेड साड़ी तो है बट आपकी बैंगल्स की मैचिंग की नहीं है। अच्छा दो मिनट लाती हूँ। ये लीजिए भाभी जी साड़ी और सेट। थैंक यू भाभी जी। अब मत आना। क्या कहा आपने? कुछ नहीं आप जाइए। ये तूफानी औरत है, इतनी दिमाग खाली है, कुछ और ना मांगने आ जाए। भगवान ध्यान रखना यार, ये कौन बाबा तंग करने आ जाता है। अब वो बस तूफानी भाभी ना। हेलो भाभी जी। बताइए भाभी जी अब क्या रह गया आपका लेने का? वो ना मैंने घर जाके देखा तो ना आपकी साड़ी की मैचिंग की ना मेरे पास सैंडल नहीं थी, तो आपके पास तो होगी क्योंकि आपकी साड़ी है, आप मुझे सैंडल दोगे उसकी मैचिंग की? भाभी जी आपके पास मतलब कुछ भी नहीं है, आप साड़ी भी मांगने आ गए, चूड़ियाँ भी, सेट भी, बट मेरे पास मैचिंग की सैंडल नहीं है। छोटे और मैचिंग में जीरो लेती है। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं भाभी जी आपके इतने कान बड़े तेज है, आपको सुनते ही रहता है ज्यादा। भाभी जी चेक कर लीजिए कहीं ये भी मेरे सैंडल खा जाए। ये देखिए अच्छे। नहीं नहीं बिल्कुल मैचिंग के हैं। थैंक यू। पूरा घर भी ले जा मेरा, सारा सामान ले गई मैं, अब क्या करूंगी यार भाई। बस ये दे जाए टाइम से, चल पा तो लेगी अब शाम चेक जी। सिर फटी जा रहा है, पता नहीं यार कैसे नेबर्स है हमारे फ्लैट में, कभी चूड़ियाँ मांगने आ जाते कभी साड़ी मांगने आ जाते। अब मुझे तो बस यही डर है, इतनी मैं डिप्रेस हो चुकी हूँ, अब पता नहीं क्या मांगेगी ये मांगने वाली भिखारन भाभी जी। सिर फटी जा रहा है, मुझे टेंशन हो जा रही है, पता नहीं मुझे पक्का पता है कि अब आएगी ही आएगी बट अब पता नहीं क्या मांगेगी। कोई बात नहीं ना, तुम डिप्रेस मत हो, कोई बात नहीं, वैसे मुझे लगता नहीं आने वाली हो भाभी जी। भाभी नो भगवान। हेलो भाभी जी। बोली भाभी जी अब कैसे आना हुआ? वो ना टिंकू के पापा ना अभी तक ऑफिस से आए नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? तो क्या आपके हस्बैंड मेरे साथ जा सकते हैं? क्या? अरे भाभी जी क्या हुआ आपको? भाभी जी उठिए ना, भाभी जी क्या हुआ आपको? भाभी जी क्या हुआ आपको?
दफा मेरे घर से, और ये सास माना आना चाहिए मेरे घर पे। कोई अकल ही नहीं है इनको, कैसी थी ये लड़की। दस मेरा पति भी मांगने आ गई। नमस्ते बाबी जी। और तुसी की हाल चाल तुहाडा? वधिया वधिया, तुसी सुनाओ। मैं तो वधिया। अच्छा, और की हाल चाल? वधिया वधिया सारे। अच्छा, ते ओ मैं पूछन आई सी कि ओ जड़ी ओ है नाल वाली ओ मिसेस कपूर, उन्होंने घर काम वाली आई सी? अपनी लेडीज लई बस फ्री हो चुके, मतलब कि कड़ी चल मैं आलू सब्जी बनाई है, नाल रोटी बना ली, चलो चार जोट भी दे दें, सलाद भी कर दें, खीरा टमाटर प्याज भी कर दें, तुम तोरी भी करते हो गए, मैंने तो लगता पापड़ भी सेक देंगे हो गए, पिंक वाले पापड़ लसन वाले भी अजकल आते, प्याज वाले भी आ जाते, टमाटर वाले भी आ जाते। होर दसो, ते आड़ी तो कपड़ा लिते बनारस तो लिते जयपुरी है, जयपुरी नहीं होगा मैं तो लगता, और मोती परोए होंगे चाइनीज चिकनकारी होगा मैं लगता। हाँ होर दसो भाभी जी, ठीक हो? हाँ होर कुछ कहता सी? हाँ मैं तुम्हें एक होर गल दसनी सी। हाँ वो मैं सच पूछना सी, लिपस्टिक लिती सी लैकमे लिती सी, दूजी इवॉन की लिती सी, मतलब इवॉन की होगी क्योंकि यार थोड़ा फिका रंग होंगे, तो लैकमे तो बड़ी ग्लोसी होंगी है, पर मैं तो लगता है ये होर। भाभी जी मैं एक गल याद करनी भूल ही गई, पखा लिता तुम अजक नवा एल ई डी वाला भी आंदा, दूजा लोगे ये तेज चलता है स्लो चलता है? मैं लगता स्लो ही चलता होगा क्योंकि जब हवा नहीं आ रही, मैं पसीना पसीना हो गया तो मैं नैपकिन यूज करा, रुमाल यूज करा, पर मैं लगता मैं नैपकिन यूज करती हूँ। और कुछ लेना बैठा था बोल दो भाभी। नहीं नहीं भाभी जी, एक गिलास पानी लिया उन्हें देर ली, उन्हें लेके आ रही है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, भी हो आप होप आपको ये अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंजॉयफुल होने वाली है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो आप इसके वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दे देना। सबके लिए बाय।